मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार, जहाँ पे लोग बहुत सारे आशाओं के साथ आते हैं ताकि उनकी समस्याएं का जो है वो समाधान मिले, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जो जनता दरबार जा पाते हैं और उनका नंबर आ पाता है। मामला है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, क्योंकि बिहार की जो जनता है ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, उनको ऑनलाइन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का पता नहीं है, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री से मिलने जनता दरबार के बाहर हजारों लोग खड़े रहते हैं। हमारे साथ एक दिव्यांग है, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राहुल कुमार है। क्या समस्या है? समस्या ये है कि हम लोग को डीएलएड या बीएड करना चाहिए, है ना। बीएड जो हम लोग को निःशुल्क करवाते हैं कि विकलांग के नाम पर निःशुल्क चीज़ है, निःशुल्क काम कीजिए, जब जाते हैं निःशुल्क करने लिए तो निःशुल्क नहीं होता है, बिना पैसा के कोई काम होबे नहीं करता है। अच्छा बताइए, हम लोग पैसा कहाँ से लाएं? 400 रुपया पेंशन मिलता है, 400 में आप लोग क्या कर सकते हैं? आप ही लोग बताइए 400 में की कर सकते हैं? 400 में अगर 2 दिन का खाना मिला तो बहुत है। मतलब आपको डीएलएड या बीएड करना है? डीएलएड या बीएड करना है। बीएड करना है, उसमें जब फॉर्म भरने जाते हैं तो आपसे पैसा लिया जाता है? हाँ, 750 रुपया मतलब कि चालान कटता है। बताइए 750 रुपया 2 महीना पेंशन आएगा तब ना हम लोग काम करेंगे। तो कहता है कि दिव्यांग को हर तरह का छूट देते हैं, कोई प्रकार का छूट नहीं, कह रहा कि छूट है, कह रहा कर नहीं रहा, ये सरकार नहीं कर बोल रही है, छूट देगी पर छूट नहीं मिल रहा। कोई भी बहाली हो हमारे हम लोग के साथ है, जैसी जिस तरह से हम सब बहाली में जिस तरह हम लोग के आवेदन किए हैं, जौन जौन विभाग में हम लोग को सीट है उस विभाग में हम लोग देते हैं आवेदन, जाते हैं आवेदन देते हैं, उसके बाद हम लोग के कोई तरह के मतलब की सूचना नहीं, हम लोग देखते हैं आग फाड़ के देखते। 2017 में कहानी कहते हैं मैडम कि हमें सीतामढ़ी जिला में हम आवेदन किए थे, आवेदन बाद हम इंटरव्यू में शामिल थे, उसके बाद में बोले कि सर हम लोग के साथ क्या किया जाए, सर हम लोग खाया पूछिएगा क्वेश्चन और पूछला बाद में घर जाए, बल नहीं आप लोग को हो जाएगा, विकलांग नहीं हो जाएगा आपका। हम ये मतलब आश्वासन मिलता है पर काम नहीं। हाँ, आश्वासन मिलता है, बात कह देता है, कहा समझा बुझा के भेजा देता है, आप पीछे गलत काम कर देता है। यही सरकार है और यही कोर्ट का चीफ जस्टिस है, इसको सोचना चाहिए कि आता है कोर्ट, हम हाई कोर्ट कई बार जाने भी जाते हैं, गेट के अंदर नहीं जाने देता है, भगा देता है, बल नहीं मिलने आइए अंदर में, साहेब रहता है अंदर में, साहेब क्या हम लोग मिलेंगे तब ना उससे काम होगा, मिलने नहीं देता है, इसका आदेश दीजिए। तो आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने आए, क्या उम्मीद रख रहे हैं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से तो हम मिलने के लिए आए किए कि सोचे अगर मिल जाते हैं तो मिल जाते हैं, नहीं मिलते हैं भाई तो वापस जाएंगे घर। कल 12 तारीख को MTS एग्जाम है, एग्जाम देंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था? हम 3 बार किए थे, अभी तक नंबर नहीं। चौथा बार में घुरा आवेदन धर दिए, नहीं जमा किए हैं, यही सरकार हम लोग जमा कर चुके हैं और क्या बोले भाई, तो सारी बात बोल चुके हैं। और सरकार को सोचना चाहिए कि दिव्यांग है, जिस तरह से महिला को उठाए थे एक बार, अगर विकलांग को उठाकर देखिए 25% भी देखिए, 1% नहीं देखिए, 25% एक बार नजर उठा के देखिए, तब तो सरकार है, अन्यथा सरकार नहीं है। आप लोग सरकार रहने लायक नहीं है इस देश में। तो देखिए, इनका भी साफ तौर पे कहना है कि दिव्यांगों को कुछ फैसिलिटीज मिलती हैं, कुछ छूट मिलते हैं, कुछ आरक्षण मिलते हैं, जो कि नहीं मिल रहा है। सिर्फ कहने को आरक्षण की बात की जाती है लेकिन असल जिंदगी में आरक्षण नहीं मिल रहा। जब भी ये लोग फॉर्म भरने जाते हैं इनसे पैसे लिए जाते हैं, उनकी बात को नहीं सुना जाता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने आए थे पर मिल नहीं पाए। स्नेहा गुप्ता की रिपोर्ट, कशिश न्यूज़ पटना।